नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम रामधारी गुप्ता पेज नंबर 19 प्रतिलेखन संख्या 3 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा। इसकी गति पहले 60 शब्द प्रति मिनट और फिर 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं, न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध है उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। आपने कर लगा रखे हैं, आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25% ज़्यादा कर लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार है। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। पैराग्राफ चेंज। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं जहां पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को 2 रुपये मजदूरी में मिलता है। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाए। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन समस्त चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता है। पैराग्राफ चेंज। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में 2रे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन है, लाइन भी अच्छी है, तो क्यों नहीं
दूसरे दर्जे के डिब्बे लगाए जाते हैं। अब हम इसी डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप ना अधिक कीमत दे सकते हैं ना अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध है उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। आपने कर लगा रखे हैं, आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो ज़मीन पर 25% ज़्यादा कर लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी, वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार है। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। पैराग्राफ चेंज। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं, जहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारे सदन में एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को 2 रुपये मजदूरी में मिलता है, इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाए। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन समस्त चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता है। पैराग्राफ चेंज। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी है, तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की मजदूर की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने में उनमें कहाँ से शक्ति आएगी, कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे। आप इन सब पर सोच विचार करें। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।